हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो यूट्यूब पे ये एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है ना, जहां पे एक साथ इतने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे यहां पे आ गए हैं कि हर एक मुद्दे को कवर करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है एज अ रिएक्शन चैनल। और पिछले दो चार दिन से आप लोग मलिक फैमिली में भी देख रहे हो, सरोज और सुनीता दीदी के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। हालांकि ये कॉन्ट्रोवर्सी हर दूसरे महीने में वापस से आती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर हर दूसरे महीने में वापस से आती है। बट यस, इस बार काफ़ी ब्रेक के बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी आई, क्योंकि लास्ट टाइम जब सुनीता दीदी का मेंटल हेल्थ यहाँ तक पहुँच गया था कि उन्होंने अपने आप को हार्म करने की कोशिश करी थी, वहाँ पे ये चीज़ें एंड हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया था और ये डिसाइड किया था कि मैं अब दोबारा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी। उस वक्त पे सपना भी वहाँ पे आई थी और सब ने यही डिसाइड किया था कि अब इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त भी सरोज भाभी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, उनका अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ही नहीं है कि उनको ऑन कैमरा किस चीज़ के बारे में बात करनी है। हालांकि व्लॉगिंग करते समय वो बहुत कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू उनके ससुराल में किसी के लिए भी बोलना, तो उस समय पे वो अपना आपा खो देती हैं और बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो इस वक्त भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। दो तीन दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि सरोज और सुनीता दीदी के बीच में वापस से कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। अब अगर बात करें कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत अगेन हमेशा की तरह जो करी थी वो सरोज भाभी ने ही करी थी। और हर कॉन्ट्रोवर्सी का उनका ये पैटर्न होता है कि वो ही ऐसे टॉन्ट मारती हैं कि सामने वाला फिर रिएक्ट करता है। हालांकि वो छोटे छोटे टॉन्ट काफ़ी समय से मार रही थी, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने भी आपस में कमिट किया था कि इस बार हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने भी इग्नोर किया। और सपना तो अभी तक भी इंटरफेयर नहीं कर रही है ना, पूरी बात करेंगे वीडियो में, क्योंकि एंड तक ज़रूर सुनना। आज बहुत मेजर एलिगेशंस लगे हैं और डेफिनेटली देखो अब इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जो मैंने व्लॉग देखा, जिस व्लॉग के बाद रिएक्शन आया था बेसिकली सुनीता दीदी का, उस व्लॉग में सरोज भाभी जी बोल रही हैं हमेशा की तरह गुस्सा अपने पति पे होता है, लेकिन उनके साथ साथ परिवार के बाकी लोगों को भी वो लपेट लेती हैं। आपको पता है काफ़ी दिन से कुलदीप भैया जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, उसके बाद कुलदीप भैया जो हैं वो वीडियो भी बना रहे हैं, उन्होंने अपना एक सेपरेट व्लॉगिंग का चैनल भी खोल लिया है। और इनके पास आई थिंक 2 और 3 चैनल हैं सरोज भाभी के पास, क्योंकि हम दोनों तीनों में वीडियोस देख रहे हैं। उनके सारे चैनल इस समय पे एक्टिव हुए हुए हैं, बड़े वाला चैनल भी एक्टिव हुआ हुआ है, जो कुलदीप भैया का चैनल था उस पर भी वीडियो जा रही हैं और सरोज भाभी की वीडियो जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुलदीप भैया वाला चैनल है उसका एक्सेस भी इन्हीं के पास है, दोनों बड़े बड़े चैनल का एक्सेस इन्हीं के पास है। कुलदीप भैया ने, कालू भैया ने नया चैनल खोला है। कालू भैया इनको मनाने के लिए इनके घर भी गए, इनसे बात करने के लिए घर गए, और इनसे बात करने के बाद ही वहाँ पे आए। उसके बाद उनकी मम्मी के साथ उनका कुछ हुआ, ये मिलने वहाँ नहीं आई, ये रुके नहीं, इन्होंने इंतज़ार नहीं करा, इनके अंदर पेशेंस नहीं था, तो ये वापस से लौट आए वहाँ से मायके से। उसके बाद गुस्सा हुई अपने हस्बैंड पे, पति पे गुस्सा हुई, लेकिन पति के साथ हर बार की तरह बाय डिफ़ॉल्ट चारों भाई बहनों को ये खींच ही लेती हैं, लपेट ही लेती हैं। लेकिन इन्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बाकी के चारों भाई बहन अपने अपने घर में अपनी अपनी कमाई और अपनी अपनी रोटी सुकून से खा रहे हैं। अगर अपना सिक्का खोटा होता है ना, तो आप बाहर वालों को कुछ नहीं बोल सकते हो, उसमें बाहर वालों की गलती कुछ भी नहीं है। अगर अपना खुद का सिक्का ही खोटा है, या तो सामने वाले के साथ रहो या तो उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाओ। ये अलग भी नहीं होना चाहती हैं और ये साथ भी नहीं रहना चाहती हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रिलेशनशिप फिर निभा रही हैं, फिर कौन सा गुस्सा दिखाती हैं। अगर हमारा कोई रिलेशनशिप इस हद तक है कि कोई स्कोप ही नहीं बचा है उसमें, तो हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रहेंगे, है ना, हम क्यों रहेंगे ऐसे रिश्ते में। लेकिन इनका समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें रहना भी है या इन्हें नहीं रहना है। तो उसके बाद इन्होंने चारों भाई बहनों को ड्रैग करा, जिसके रिएक्शन में वहाँ से सुनीता दीदी ने रिएक्ट करा और उन्होंने रिएक्ट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें बोली, इनको सुनाया। उनकी कुछ भाषा मुझे समझ में आती, कुछ भाषा समझ में नहीं आती, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोली और इस बार उन्होंने भी ओवर रिएक्ट कर लिया। इतना ज़्यादा सरोज भाभी ने नहीं बोला था जितना ज़्यादा उन्होंने इस बार ओवर रिएक्ट कर लिया। और फिर सरोज भाभी तो सरोज भाभी,
उन्होंने अगर इतना बोला तो सरोज भाभी का मुंह तो आपको पता ही है, फिर वो जब बोलने में आती हैं तो वो किसी चीज़ से शर्माती या झिझकती नहीं है, वो ये तक भूल जाती हैं कि ये ससुराल वाली मेरी नंदे हैं या कुछ भी हैं, वो बहुत डीपली और बहुत पर्सनल लेवल पे चली जाती हैं। पर्सनल लेवल पे जिस हद तक एक औरत के चरित्र पे बात करना हो, चाहे कुछ भी बात करना हो, वो उस हद तक चली जाती हैं। तो उन्होंने रिप्लाई में जो वीडियो बनाया, अगेन सबके सब को लपेटा, सबके सबको लपेटने के साथ साथ वापस से सुनीता दीदी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बातें करी, इसके साथ पकड़ी, उसके साथ पकड़ी, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि ये चारों के चारों जो भाई बहन हैं ये भागे हुए हैं, मतलब इन्होंने तो भाग के शादी करी है, मैं तो शादी करके यहाँ पे आई हूँ, शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, बाकी सारे के सारे भाग के शादी करे हुए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा ना कि ये रिश्ता जोड़ना चाहती हैं या रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। एक तरफ ये भी बोलती हैं कि मैं अपने पति को क्यों छोड़ूं, इनके अंदर का पत्नी पत्नी भी जग जाती है, दूसरी तरफ ये उसी पति की भी खूब डट के बुराइयां करती हैं और पूरे परिवार की, जहां तक देखा है कि पति की कम और पूरे परिवार की ज़्यादा, लेकिन वो पूरा परिवार इनसे कुछ भी मांग के नहीं खा रहा है, सब अपनी अपनी कमाई अपने अपने घर पे खा रहे हैं, लेकिन ये किस बात से इतनी नाराज़ होती हैं कि इनको सिर्फ इतनी सी चिंगारी करो और इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल यहाँ तक बढ़ जाता है। यहाँ तक भी चीज़ ठीक थी, इन्होंने जो बोलना था वीडियो में इन्होंने वो सब कुछ बोला, सुनीता दीदी का कोई वीडियो नहीं आया उस वीडियो के रिप्लाई में। उसके बाद जस्ट अभी मैं देखती हूँ कि अभी इनका एक व्लॉग आता है अगेन सरोज भाभी का, जिसमें वो ये लिखती हैं कि गोलू नहीं मिल रहा है, गोलू गायब हो गया है, उसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन लेटर भी दिखाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया है, बेटा 2 घंटे से नहीं मिल रहा है और बेटा गायब हो गया है, क्योंकि बेटे का फ़ोन नहीं मिल रहा है, बेटा अखाड़े में गया था और वहाँ से बेटा जो है वो गायब हो गया है, और इन चारों भाई बहनों के नाम उस कंप्लेन में लिखाए हैं। और उसके बाद बेटे के गायब होने की बातें कम और अगेन अपना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा निकाला जा रहा है, ये अलाना है, ये फलाना है, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, ये बात। अगर किसी माँ का बेटा नहीं मिल रहा है तो वो माँ इतनी स्टेबल होके अलग अलग मुद्दों पे बात नहीं करती है, जान निकल जाती है, जान हलक से जान निकल जाती है, धड़कन बंद हो जाती है अगर एक माँ को ये पता चले कि मेरी औलाद नहीं मिल रही है। वो सारी वीडियो में वही बोलती, लेकिन इन्होंने वीडियो में शुरुआत यही करा कि बेटा 2 घंटे से नहीं मिल रहा है, पुलिस ने बोला है कि 24 घंटे का इंतज़ार करो, उसके बाद अगर होगा तो तब वो, उसके बाद ये वापस से अपने मुद्दे पर आ जाती हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर से गुस्से में निकालने लगती हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऑडियो सुनीता दीदी की सुनाई जिसमें सुनीता दीदी इनको बहुत कुछ सुना रही हैं, क्योंकि इन्होंने वीडियो ऐसी बनाई थी। अब अगर यही बात वो अपने व्लॉग में बोलती तो ये भी यहाँ से बोलते, तो उन्होंने जो बोलना था, जो जवाब देना था इनकी वीडियो का, वो ऑफ़ कैमरा दिया, वो जवाब उन्होंने ऑफ़ कैमरा दिया और इन्होंने सिर्फ अपने हिस्से की ऑडियो सुनाई जिसमें सुनीता दीदी ने इनको ऑडियोज़ भेजी हैं। इन्होंने वो नहीं सुनाई कि इन्होंने रिप्लाई में उनको क्या बोला है, वन साइडेड कॉन्वर्जेशन सुनाई, दूसरे साइड की सुनाई ही नहीं। अब हम तो हमेशा से बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा ऑफ़ कैमरा सॉल्व करो, तो हम इस ऑफ कैमरा कॉन्वर्जेशन को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुनीता दीदी ने इनकी वीडियो देखने के बाद रिप्लाई वीडियो नहीं बनाई, ऑफ़ कैमरा इनको मैसेज करे, ऑफ़ कैमरा इनसे बात करी, जिसका रिप्लाई इन्होंने भी किया होगा, हर एक ऑडियो का रिप्लाई इन्होंने भी किया होगा, लेकिन इन्होंने अपनी साइड की कोई भी बातचीत फ़ोन में नहीं लगाई। बेटा गुम गया है, लेकिन इनको इस समय भी चीज़ें लीक करनी हैं, इसका यहाँ अफेयर था, उसका वहाँ अफेयर था, ये ऐसा था, वो वैसा था, अरमान ऐसा, चारों भाई बहन ऐसे, बेटा गायब हुआ है, मतलब ये कौन से अनदर लेवल की स्क्रिप्ट चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि इनका दिमाग के घोड़े जो हैं वो किसी भी तरीके से इन चारों भाई बहनों को फंसाने पर क्यों तुले हुए हैं, जबकि अरमान को कोई लेना देना नहीं है इनसे, जबकि सपना तो कुछ बोल ही नहीं रही है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ये सपना को भी घसीट रही हैं, सबके सबको घसीट रही हैं। उसके बाद यहाँ पे बेटे का लेके आ गए टॉपिक, तो आप समझ रहे हो कि या तो ये सबको किसी भी तरीके से फंसाने का प्लान बना रही हैं कि अगर इस तरीके से नहीं तो मैं इस तरीके से फंसाऊंगी, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी को लेके फंसाने की कोशिश, लेकिन प्रॉपर्टी में चारों ने अपने हाथ झाड़ लिए, जबकि डेफिनेटली उन चारों का हिस्सा बनता है लीगली उस प्रॉपर्टी में, लेकिन फिर भी चारों के चारों यही बोल रहे हैं कि वो तेरा घर है, तू संभाल ले, तू आ जा, अभी भी तो वहाँ पे कालू भैया ही रह रहे हैं उस घर में,
वहाँ से कुछ नहीं हुआ क्योंकि किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा। उसके बाद ये पूरा का पूरा उन्होंने 2 घंटे बेटा गायब हुआ, बेटे का फ़ोन नहीं मिल रहा है, और 2 घंटे में इनकी मम्मी वीडियो बनाने आ जाती हैं। वीडियो में बेटे के लिए कंसर्न कम और बाकी घर वालों को टारगेट करना ज़्यादा। तो क्योंकि इनको ये रिप्लाई जो है ना, ये जो सुनीता दीदी ने ऑन कैमरा नहीं किया, इस रिप्लाई का जवाब देना था वीडियो के माध्यम से। एक्चुअल में इनको वीडियो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको चाहिए कि ऑफ कैमरा कोई भी बात ना हो, जो भी बात होगी वो वीडियो के माध्यम से होगी, यानी कि व्लॉग के माध्यम से होगी, क्योंकि बीते दिनों इन लोगों के व्यूज़ बहुत डाउन चले गए थे। और ये हमेशा का पैटर्न रहा है कि जब जब व्यूज़ डाउन जाते हैं ना, तब तब कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा खड़ा किया जाता है। क्यों? बेटे का गायब होना एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है, आपको वो ऑफ कैमरा उसको ढूंढना चाहिए कि जाके ऑन कैमरा आके वीडियो बनानी चाहिए? 2 घंटे हुए हैं बस, लेकिन सारे एलिगेशन लगा के आगे 2 घंटे में ये पुलिस के पास भी चली गई, 2 घंटे में इन्होंने कंप्लेन भी लिखा दी, और 2 घंटे में सारे भाई बहनों के नाम भी उस एप्लीकेशन में डाल दिए। लाइक सीरियसली, अपने जो होते हैं ना वो डांट सकते हैं, लेकिन अपनों को हार्म नहीं पहुंचा सकते, इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना बुरा ये उनको बनाने की कोशिश कर रही हैं। इतना बुरा कोई नहीं है। कालू भैया के अंदर एडिक्शन है, पता है, बहुत अनदर लेवल के हैं, बहुत अनदर लेवल के, शायद ही कोई लड़की झेल पाए या कोई औरत झेल पाए, लेकिन आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं। और अभी भी वो अपनी बहन का सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी भी वो अपनी बीवी का ही सपोर्ट करेंगे, चाहे इनकी बहनों ने अपने भाई के लिए लड़ा हो, अपने भाई के लिए ही तो बोला, क्योंकि भाई रोज़ पीपी के घर में पड़ा है, रोज़ कभी यहाँ चोट लगाता है, कभी वहाँ चोट लगाता है, तो बहनों ने बोला कि अपने घर चले जाओ, क्योंकि बहनों को भाई की हालत देख के तरस आया। लेकिन वो भाई फिर भी अपनी बीवी का इतना पक्का है कि अगर इन बीवी और ननद, मतलब बहन और बीवी के बीच में झगड़ा होगा ना, तो वो अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी बीवी के साथ खड़े होकर अपनी बहनों को ही गालियाँ देंगे। ये होगा, और आने वाली वीडियो में आपको ये भी दिख जाएगा कि थोड़े दिन में कालू भैया खुद अपनी बहनों को गाली देते हुए नजर आएंगे, जबकि बहनें अपने भाई के ही सपोर्ट में हैं कि भाई घर बसा ले। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अब सुनीता दीदी हो चाहे सपना हो, कोई आप लोगों को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इनकी गृहस्थी बसे चाहे उजड़े, जब सामने वाला बंदा आप लोगों का इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता है, आप लोगों के फ़ोन्स को पसंद नहीं करता है, आप लोगों की बातों को पसंद नहीं करता, तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में ही रहना चाहिए, इनके मैटर में घुसना ही नहीं चाहिए, इनको कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, इनको रहने दो इनके हाल पे। ये जो डिसीज़न लेंगे, कम से कम कल को ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंने उसके ज़बरदस्ती करने पे किया या उसके करा। अगर ये कल को कोई डिसीज़न लेंगे जाने का, आने का भी अपनी मर्ज़ी से लिया, जाने का भी इन्हें अपनी मर्ज़ी से लेने दो, मत करो इनकी लाइफ में इंटरफेयर। क्या ज़रूरत है? आप अपने अपने वीडियो, अपने अपने व्लॉग चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं है, वो ऑफ़ कैमरा कोई भी बात नहीं करना चाहती हैं। अभी भी जितनी बातें सुनीता दीदी ने ऑफ़ कैमरा लड़ाई करी होगी, झगड़ा करा होगा, अपनों के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। अब ये चाह रही थी कि ये जो ऑडियो है ये यहाँ क्यों भेजी ऑफ़ कैमरा, मज़ा आता अगर इसका व्लॉग बना के सुनीता दीदी डालती, क्योंकि यहाँ से फिर इनको भी वीडियो बनाने का मौका मिल जाता। लेकिन सुनीता दीदी ने वीडियो नहीं डाली, इनको डायरेक्ट मैसेज करे, मैसेज में बात करे, तो इन्होंने उनके मैसेज भी पब्लिक कर दिए, लेकिन अपने आप से क्या भेजे थे वो पब्लिक नहीं करे। तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा इनको भी ना सुकून की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो। देखो, एक आधा साल इंसान का कट जाता है, हो सकता है मायके का भरपूर सपोर्ट हो, भाइयों का भरपूर सपोर्ट हो, और अगर वाकई में आपको इस फैमिली से मतलब नहीं रखना, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना, तो इस फैमिली से अलग हो जाओ ना, अलग होने का डिसीज़न ले लो, रोज़ की चिक चिक से ख़त्म हो जाओ आप। और अगर रहना है साथ में तो फिर ये दुश्मनी का कोई बात ही नहीं है। आपका बेटा गायब हुआ और आपने उन सारी चीज़ों का एलिगेशन अपने ही क्या बोलते हैं, चारों भाई बहनों पे लगा दिया। क्या एक बाप अपने भाई बेटे का दुश्मन होगा क्या? कैसे लगा दिया? मतलब बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बच्चा है, कैसे वो गायब हो गया? वेल, पता नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है, एक ड्रामा है, या इसके अंदर कुछ रियलिटी भी है, देखते हैं। कल व्लॉग आने तो पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर गोलू कहाँ है, कैसा है, क्या है, या ये क्या था ड्रामा। मुझे तो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगा, फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल रिलेटेबल नहीं लगा। अब वो कल परसों पता चलेगा कि बेटा कहाँ है और किन स्थितियों में है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप लोगों ने भी दोनों का वीडियो देखा होगा, आप लोगों को दोनों में से कौन सही लग रहे हैं, कौन गलत लग रहे हैं। आज का वीडियो जो सरोज जी ने डाला है, क्या वाकई में वो
अपने बेटे के कंसर्न में डाला है या फिर सिर्फ अगेन एक व्यू का एक व्यू और एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का नया बहाना कि अब तो इन्हें वीडियो में बोलना ही पड़ेगा, अब तो इन्हें व्लॉग में बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैंने खुले में सोशल मीडिया पे इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं अपने बेटे के, तो अब तो इनको मजबूरी में वीडियो बनानी ही। सो कभी कभी ना ये इनके मैटर्स ना मेरे दिमाग सर के ऊपर से चले जाते हैं, इसीलिए मैं इतने दिन से कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी क्योंकि लॉजिकल नहीं है चीज़ें। लेकिन आज जब हद पार हो गई ना कि सामने वाले बंदे ने सोशल प्लेटफॉर्म को पता नहीं क्या समझा हुआ है, कोई भी आता है किसी के ऊपर भी आरोप लगा के चला जाता है, कोई भी आता है किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा के चले जाता है, अरे किसी का नाम देना और उससे उसकी तफ्तीश होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और कोर्ट कचहरी के मामले इतनी आसानी से बोल के नहीं होते, वरना तो पता नहीं कितने केस, इतने केसों की चट्टे लग जाते, हर घर से कोई ना कोई केस उठ के चला जाता। वेल, देखते हैं इनकी अब बोली हुई बातों में कितनी ताकत है या ये क्या करना चाहती हैं, आगे का इनका क्या प्लान है वो पता चलेगा। गोलू सच में ठीक है या सच में गायब हुआ है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।